निम्नलिखित में से किस राज्य के म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया? तो इसमें होगा सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोग में भी यह बीमारी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आँखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व मेटोलॉजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 मई। ए विश्व मेटोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 1875 में मीटर कन्वेंस पर हस्ताक्षर करने की वर्गगठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कन्वेंस ने विज्ञान और माप के साथ साथ इसके वाणिज्य, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर होगा जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई 2021 को निधन हो गया। राज्य सरकार ने उनके निधन पर एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। जगन्नाथ पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस छोटी छोटे काल में उन्होंने प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी लागू की। चौथा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा मोई यसुफ। डी आंसर होगा मोई यसुफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विशेष सहायक मोइन यसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्ति किया है। इसके पहले वे 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। वे यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री जबकि पॉलिटिकल साइंस में PhD की है। पांचवी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसकी करेक्ट आंसर होगा 12 मार्च, 15 जुलाई, 18 मार्च, 20, 18 मई। सी आंसर है इसका सही। हर साल 18 मई को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने पर विचार किया और साल 1977 से ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। छठा क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1,250 करोड़ रुपया राहत राशि दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाए जाने से हुए नुकसान के लिए 1,250 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। ऑटो रिक्शा, टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों को 3,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। इससे 2,10,000 चालकों को फायदा होगा। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को भी 3,000 रुपये दिए जाएंगे। नई नाई, धोबी और दर्जी
कवारी और कुम्हार, मैकेनिकल, घरेलू नौकरों और चमड़ा उद्योग में लगे मजदूर जैसे गैर संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी 2,000 रुपये की राहत राशि मिलेगी। सातवीं क्वेश्चन है, माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर है सेवेंथ के ए, मुख्तर ऑप्शन ऑप्शन मुख्तर ऑप्शन को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति किया गया है। इब्राहिम बौकर कितला को हटने के बाद अगस्त 2020 में उन्होंने कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, कनाडा के किस फाइटर ने ब्रेंडन बोरा को हराकर सिंगापुर की वन चैम्पियन में हैवीवेट विश्व चैम्पियन का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अर्जन सिंह भुल्लर। कनाडा के अर्जन सिंह भुल्लर ने ब्रेंडन बोरा को हराकर सिंगापुर की वन चैम्पियनशिप में हैवीवेट विश्व चैम्पियन का खिताब अपने नाम किया है। यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइटर भी बने। इस जीत के साथ अर्जन ने फिलीपींस मूल की अमेरिकी वेरा का 5 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया। भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे।